मुकेश अंबानी ने रिलायंस के 44वीं एजीएम में अभी तक के सबसे सस्ते 4G फोन से पर्दा उठा दिया है, जिसको जियो फोन नेक्स्ट के नाम से जाना जाएगा। और ये केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे अफोर्डेबल 4G फोन होने वाला है। अब आप सभी के मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि इस फोन के क्या फीचर्स होने वाले हैं और कब से आप इसको खरीद पाएंगे। और इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, बताते हैं आपको जियो फोन नेक्स्ट के बारे में सब कुछ। आप देख रहे हैं 91 मोबाइल्स और मैं हूं शिवम चौधरी। रिलायंस की 44वीं एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो और गूगल की पार्टनरशिप में बने नए स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट की अनाउंसमेंट कर दी है। नया स्मार्टफोन जियो और गूगल की एप्स से लेस होगा। एंड्रॉइड बेस्ड इस स्मार्टफोन का कस्टम ओएस रिलायंस और जियो ने मिलकर डेवलप किया है। कंपनी के अनुसार ये केवल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का अभी तक का सबसे सस्ता 4G फोन होने वाला है, क्योंकि इसको आम आदमी की जेब के लिहाज से बनाया गया है। फीचर्स की बात करें तो इसमें वॉइस असिस्टेंट, स्क्रीन टेक्स्ट रीडिंग, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, स्मार्ट कैमरा विद AI फिल्टर्स और भी बहुत कुछ होने वाला है। हालांकि इसके सभी फीचर्स से और स्पेसिफिकेशन से अभी पर्दा नहीं उठाया गया है। इसकी सेल की बात करें तो 10 सितंबर 2021 यानी कि गणेश चतुर्थी के शुभ दिन से इसकी सेल शुरू होने वाली है। तो ये था जियो एंड गूगल का द मोस्ट अफोर्डेबल फोन जियो फोन नेक्स्ट। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और जियो फोन के बारे में आपका क्या विचार है हमारे साथ अपने विचारों को कमेंट्स के जरिए शेयर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।